गुड मॉर्निंग एवरीवन, हेलो नमस्ते। एवरीवन, तो फ्रेंड्स, आज की डेट है 29th of July और आज का डे है फ्राइडे। फ्राइडे। यस, तो लेट्स स्टार्ट द न्यूज। तो भाई साहब, बंगाल से तो बहुत पैसा पकड़ में आ रहा है। ममता दीदी बोलती है बंगाल में पैसा नहीं मिल रहा है, सेंटर का पैसा जा कर रहा है। पैसा तो अर्पिता मुखर्जी के घरों में पड़ा है। कितना मिला? अरे खूब सारा मिला, अब तो काउंटिंग करना ही छोड़ दीजिए, 40-50 करोड़ पार हो गए हैं। बहुत ज्यादा पैसा मिल रहा है वहां पे। और बात ये भी खबर आई कि जो पार्थ चटर्जी, उनकी बेटी के घर से 2 सूटकेस लेकर भाग गए चोर। पड़ोसियों ने फिर ईडी अफसर समझा समझा था उनको, चोरों को। ऐसे ही होता है, चोर की भी मौज हो गई। वो भी न्यूज़ पढ़ रहा है हमारी, लगता है उसको मालूम है एक इनका अब भांडा फोड़ होगा। एक और मजेदार न्यूज आई है। कल मोदी जी गए थे गुजरात में एक दूध की नई फैक्ट्री को लॉन्च करने। यहीं पे खबर निकली है कि गुजरात में ही एक और नकली दूध की फैक्ट्री भी पकड़ी गई। वाह, गजब। वाह, गुजराती हर काम में आगे रहते हैं, वो चाहे अच्छा काम हो चाहे वो बुरा काम। गुजराती दिमाग सारू छे सारू छे। तो सारू छे एक न्यूज और आई है कि 25% फंड जो राज्यसभा सांसदों को मिलता है पूरा फंड, उसमें से वो 25% भी खर्च नहीं कर पाते। और कारण है कि ये बाहर ही हैं, क्योंकि ऐसा तो होता है, क्योंकि यूजली लोग बाहर के होते हैं, अपने उस पर्टिकुलर लोकल एरिया को ज्यादा अच्छे से समझ नहीं पाते हैं, तो राइट। फंड भी नहीं खर्च करते हैं। बट शायद इसमें ऐसा प्रावधान है कि आगे वाले जो सांसद हैं वो उसको यूज कर सकते हैं। हाँ, मतलब ये नॉन लैप्सिबल फंड होता है, इसको बिल्कुल यूज खर्च कर सकते हैं। वो अलग बात है कि लोग अपना जो पर्सनल खर्च मिलता है स्टाफ वाला, तो वो पूरा खर्च कर देते हैं, वो पूरा खर्च कर, वो ओवर कर लेते होंगे। वो समोसा वमोसा खिला खिला के सब खर्चा कर देता है। तो चाइना ने धमकी दे डाली है अमेरिका को कि अगर उनकी जो सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस की पेलोसी वो ताइवान गई तो उनका प्लेन हवा में ही उड़ा देंगे। भाई साहब, ये वाह, हो गया है अब सुपर पावर। और सुपर पावर अब रशिया कहीं नहीं है, चाइना और यूएसए ही है। बिल्कुल सीधे, अगर चाइना अमेरिका से सीधे टक्कर ले रहा है तो समझ जाओ कि वो अभी एक सुपर पावर 100% बन चुका है। वेरी ट्रू। सीएम, कर्नाटक के सीएम बोम्मई जी हैं, उन्होंने कहा है कि अगर यही हालात रहे हमें योगी मॉडल अपनाना पड़ेगा। तो योगी योगी मॉडल मॉडल, इतना फेमस हो गया है, इतना ज्यादा फेमस हो गया है आज की डेट में, कि लोगों को ये लग रहा है कि भाजपा अपना चुनाव चिन्ह कमल की जगह बुलडोजर न करते। कल प्रधानमंत्री मोदी जी ने चेस ओलंपियाड का उद्घाटन कर दिया है। बहुत ही अच्छा रंगारंग कार्यक्रम हुआ था। और इसी बीच कल हाई कोर्ट ऑफ तमिलनाडु ने एक रूलिंग भी दे दी है, तमिलनाडु गवर्नमेंट को फटकारते हुए। बिकॉज उन्होंने जो होर्डिंग्स थी वहां पे मोदी जी की जो फोटो थी एज अ प्राइम मिनिस्टर, उसको हटा दिया था। तो तमिलनाडु गवर्नमेंट के हाई कोर्ट ने बोला है जब भी कोई इंटरनेशनल इवेंट होगा तो वहां पे आपको प्राइम मिनिस्टर का फोटो लगाना जरूरी है, आप अपनी पॉलिटिक्स हर जगह नहीं घुसेड़ सकते। हाँ, और करवाए बेचारे मोदी जी लोग और अपना चेहरा लगा दिए होंगे, तो हाँ कॉमन जनता भी नहीं समझ पाई होगी। किसी हीरो हीरो को रजनीकांत रजनीकांत का लगा दिए होंगे, बोलेंगे रजनीकांत करा रहे हैं भाई। रजनीकांत 1 साथ 100 लोगों को हरा देगा। बिल्कुल। सो मारुति, एक सभी कंपनियों ने अपनी अपनी ई व्हीकल्स निकाल दी है, मारुति को छोड़ करके। मारुति अभी भी सीएनजी पर ज्यादा फोकस कर रहा है। मारुति ने डीजल कार्स बंद कर दी हैं, अभी वो सीएनजी प्लस पेट्रोल वेरिएंट ही लगातार लेकर के आ रही है। ऐसे में उन्होंने ये कहा है कि 2025 तक वो ई व्हीकल्स तक आएंगे, तब तक इनको पता भी चल जाएगा कि भाई ई व्हीकल सक्सेसफुल है कि नहीं। बहुत, मतलब बहुत ही सेफ खेल रहे हैं ये। बहुत इन्होंने ज्यादा डीजल हटा दिया, अगले 2-3 साल सिर्फ सीएनजी और पेट्रोल वर्जन लॉन्च करेंगे। इनको मालूम है इनके जो लॉयल कस्टमर है वो मारुति छोड़ के कहीं जाएंगे नहीं। ये बढ़िया, इट्स अ गुड प्ले। इंडिया की सबसे अच्छी स्ट्रेटजी है। और मैं यही बोलना चाहूंगा, जो बहुत लोग बोल रहे थे कि फोर्ड वापस चली गई इंडिया से, शेवरले जैसी बड़ी कंपनी इंडिया से वापस चली गई, तो यार यू हैव टू रीड इंडियन मार्केट एंड इंडियन कंज्यूमर माइंडसेट, और आप उसके हिसाब से ही अडेप्ट हो सकते हो, उसके हिसाब से ही अपनी गाड़ियों को लॉन्च करना चाहिए। बिल्कुल तो यहाँ पे एडिटोरियल में वेद प्रकाश जी ने लिखा है कि पाकिस्तान में अब अस्थिरता के नए दौर की शुरुआत। मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि स्थिरता थी कब स्थिरता थी कब? वहां? वही तो, स्थिरता थी कब वहां पर? तो रणवीर सिंह जो कि बहुत ही लोकप्रिय हीरो बन चुके हैं हाल ही के कुछ फोटो शूट्स की वजह से, उन्होंने कहा है कि उनकी दादी पंजाबी फिल्मों की टॉप अभिनेत्री थी और ये खुद एक सिंगर वॉइस आर्टिस्ट भी हैं, मल्टी टैलेंटेड आदमी हैं। और भगवान करे इनका टैलेंट हमेशा ऐसी खिलता रहे, लोगों को इनका प्यार मिलता रहे।
तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि गणेश उत्सव आने वाला है और फिर नवरात्रि की भी तैयारी कहीं ना कहीं चालू हो गई है। ऐसे लोग जिनका पूरा लाइफ इनकी मूर्तियों बनाने पर डिपेंड रहता है, तो उनको कई सारे ऑर्डर मिले हैं और इस बार मिट्टी और गोबर की मूर्तियों की ज्यादा डिमांड है। बहुत इस बार अच्छी अगर बात आप है। भी गणपति लेकर के आ रहे हैं तो कोशिश करें कि आप मिट्टी के या फिर गोबर के गणेश जी लेकर के आइए। इको फ्रेंडली गणेश जी। सो फ्रेंड्स, आज इंटरनेशनल टाइगर डे है और इंडिया ने एक मिसाल कायम करी है पिछले 10 सालों में कि कैसे हम एक इंडेंजर्ड स्पीशीज को कंजर्व कर सकते हैं, और इसी के चलते हम लोगों ने 40% तक इंक्रीज किया है अपने टाइगर्स के नंबर को। और टाइगर अभी जिंदा है दोस्तों, हमारे अंदर, आपके अंदर, हम सबके अंदर टाइगर जिंदा है, याद रखिएगा। कल एक बहुत बड़ा विवाद हो गया और यहाँ पे जो कांग्रेस के जो ऑपोजिशन लीडर हैं इन लोकसभा अधीर रंजन चौधरी, उन्होंने बातों बातों में हमारे प्रेसिडेंट को, ऑनरेबल प्रेसिडेंट को राष्ट्रपति कह दिया, और विच इज रॉन्ग अनडाउटेडली। और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में भी ये क्वेश्चन उठा था कि इनको जब कोई महिला बनेगी तो उसके उसके पद पर वहां पर तय किया गया नहीं, वर्ड राष्ट्रपति ही रहेगा। सो इन सब के बीच कोई जो बीजेपी है उसने बहुत गहरा विरोध जाहिर किया है। जो स्मृति ईरानी है उन्होंने कल एक रोरिंग स्पीच देते हुए क्वेश्चन किया है कांग्रेस को टुवर्ड्स देयर वेमेन एम्पावरमेंट। सही बात है, ये तो कहीं ना कहीं अगर आप कोई शब्द यूज करते हैं तो इट शोज योर अनकॉन्शियस माइंड कि आपके दिमाग में एक्चुअली चल क्या रहा है। और अब देखो, वैसे भी कांग्रेस बेचारी सब जगह से फुस हो रही है, उसके नेता उसको और लगे फुस करने में, अरे वाह, राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी बोल रहे हो। एक छोटी सी न्यूज ये निकली है इलेक्शन कमीशन के द्वारा कि पहले 18 के बाद ही आप वोटर लिस्ट में अपना नाम ऐड करवा सकते थे, बट अब आप पहले से ही 17 की एज में ही अपना नाम ऐड करवा सकते हैं, प्री एप्लीकेशन दे सकते हैं और 18 के बाद आप वोट डाल सकते हैं। तो ये अच्छी बात है टुवर्ड्स गुड गवर्नेंस और एक इंक्लूसिविटी के लिए कि हम लोग पहले से इस चीज के लिए तैयार है। बहुत बढ़िया। तो कश्मीर में इस समय एकदम से टूरिज्म फुल फॉर्म में है, सारे होटल्स फुल हैं, एक अलग लेवल का वहाँ पर जमावड़ा लगा हुआ है घूमने वालों का। हम उम्मीद करते हैं आप भी बढ़िया घूमें, सेफ रहें बढ़िया, और कश्मीर वाले ऐसे ही बिजनेस करें और जल्दी से जो इधर उधर कश्मीर कश्मीर पाकिस्तान ले रखा है वो बेचारे जलन खोरी करके इधर आ जाएं। यार वो लोग ज़्यादा कमा रहे हैं, हमें भी कमानो है, तो एक काम करो तुम भी आ जाओ, तो हम तुम्हारे यहाँ भी होटल ले लेंगे, हमें क्या, इतना पैसा है भारत के पास, अभी 1% भी आबादी घूमने नहीं निकली। जिस दिन 1% आबादी घूमने निकली ना, दुनिया बोलेगी भैया हमारे यहाँ आओ तुम। तो टूरिज्म और टेररिज्म दोनों साथ साथ नहीं चल पाएगा ना। तो सुप्रीम कोर्ट के एक जज हैं जस्टिस चंद्रचूड़, उन्होंने ने कहा है कि जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनके ऊपर निजी टिप्पणी कुछ ज्यादा ही हो रही है, कि ज्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है तो वो कम होना चाहिए। ठीक है, आई एग्री विथ हिम बट पार्शियली। क्रिटिसिज्म कम होना चाहिए, डेवलपमेंटल क्रिटिसिज्म, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म उनका भी होना चाहिए, वो भी इंडिया के पार्ट हैं। बिल्कुल, उनको ये याद रखना चाहिए कि ये इंडिया है, यहाँ हम भगवान को भी सुना देते हैं जब गुस्से में आते हैं। तो राइट आप तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के लॉयर, वो जज हो, है राइट ना। एक डेवलपमेंटल क्रिटिसिज्म तो हमेशा रहना ही चाहिए, अगर आप इससे भी भागोगे इसका मतलब है कि आप कहीं ना कहीं गलत हो। सो विद दिस लेट्स कम टू द फाइनल न्यूज। तो घड़ियाल जो जो घड़ियाल चंबल सेंचुरी है अपने, क्या बोलते हैं, चंबल एरिया में, ग्वालियर के आसपास के एरिया में, उसका जो 403 हेक्टेयर का जो जंगल था उसको बचाने के लिए अटल एक्सप्रेस वे उसको थोड़ा सा 3 किलोमीटर तो ये शिफ्ट किया जा रहा है, जैसे कि जंगल को नुकसान ना पहुंचाया जाए। बिल्कुल, और इट शोज कि गवर्नमेंट थोड़ा बहुत कंसर्न तो है, थोड़ा ही बहुत कंसर्न है अपना नेचर को सेव करने के लिए, क्योंकि तो एक तरफ ये माइनिंग पर भी बहुत बहुत अच्छा ध्यान दे रहे हैं। बीच में न्यूज आई थी इसी एरिया में कि छतरपुर में एक बहुत बड़ा जंगल ये लोग काटने वाले हैं फॉर डायमंड माइनिंग। तो यस गवर्नमेंट का समझ में नहीं आता है, कभी इधर हो जाती कभी उधर जाती है। और हमको लगता हाँ, है गवर्नमेंट हमारा न्यूज भी सुन रही है। भगवान करे आप भी हमारा न्यूज़ सुने, अपने दोस्तों को भी हमारा न्यूज़ सुनाएं, अपने इस वीडियो को शेयर करें ताकि उनको भी न्यूज़ पता चले, है राइट ना। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा होगा, कल मुलाकात होगी सुबह 10 बजे। विद दिस थैंक यू थैंक सो यू सो मच, मच, नमस्ते। नमस्ते।